सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो बहुत बहुत सॉरी क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो आज सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो जो ये आज का जो वीडियो है वो है एक स्मार्ट वॉच के ऊपर। तो देखिए, मेरे पास एक एक स्मार्ट वॉच है, तो कौन सी कंपनी का है कुछ भी मेंशन किया नहीं है, जस्ट एक पैकेट भेज दिया मैंने, ऑनलाइन से ख़रीदा है ये। तो 800-900 रुपये या 1200 रुपये समथिंग अराउंड ऐसा कुछ प्राइस होगा, तो मुझे लगता है 1200 रुपये होगा, मुझे याद नहीं चल रहा है अभी ठीक तरह से। तो अगर आपको ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल सा एक पैकिंग है, कुछ भी नहीं है इसमें स्पेसिफिकेशन और इसका कुछ भी मेंशन किया नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सा बॉक्स है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक वॉच है, स्मार्ट वॉच जो मेन यूनिट है, और यहाँ पे एक डेटा केबल दिया है डेटा चार्जिंग के लिए स्मार्ट वॉच को, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यूज़र मैनुअल भी नहीं है। कैसा कंपनी है, शायद यूज़र मैनुअल होता है लेकिन मेरे केस में शायद मिसिंग है कुछ, मतलब डालने में भूल गया होगा, ऐसा कुछ होगा शायद। तो छोड़िए बॉक्स को, तो स्मार्ट वॉच को देख लेते हैं। तो देखिए, ये है स्मार्ट वॉच, तो इसका जो क्वालिटी है, तो ये तो मतलब जो बेल्ट है इसका स्ट्रेप्ड है, उसको बहुत ही हार्ड है, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, लगता है अभी टूट फट जाएगा यहाँ से, ऐसा मतलब फोल्ड कर रहा हूँ तो लगता है फट जाएगा यहाँ से। तो देखिए, तो ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे कुछ भी बटन नहीं है, एक साइड में एक यहाँ पे शायद स्लॉट दिया गया है यहाँ पे। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे एक मतलब चार्जिंग के लिए इसका, तो यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है ये, और यहाँ पे एक देखिए बटन है यहाँ पे, शायद मैं इसको उल्टा पकड़ा हूँ, ऐसा ही कुछ होगा। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक बटन है, और यहाँ पे ऊपर एक कैमरा है, और कुछ भी नहीं है। और इसको खोलने के लिए इसको बैक कवर को मुझको निकालना पड़ेगा, इसके अंदर बैटरी है और सिम एक सपोर्ट करता है, 3G सिम या 2G सिम कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है। तो चलिए बैक कवर को उतर लेते हैं। तो देखिए, बैक कवर को मैंने उतार दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि एक जो स्ट्रिप है बहुत ही हार्ड है यार, इतना हार्ड क्यों है, हाथ में पहनूंगा कैसे। तो छोड़िए, देखिए यहाँ पे एक स्पीकर है, शायद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्पीकर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, बैटरी जो है वो है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, तो बैटरी जो है वो है शायद 380 mAh की, मैंने मतलब 380 mAh की बैटरी है, और वोल्ट जो है वो है 3.7 वोल्ट का, और मॉडल नंबर कुछ लिखा है यहाँ पे, मेंशन किया है। तो चलिए बैटरी को निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या क्या है। तो देखिए, बैटरी को तो मैं निकाल के रखा हूँ साइड में, देखिए अभी बार कोड दिया है शायद कुछ, तो हाँ शायद यहाँ पे एक बार कोड है, और यहाँ पे बार कोड जो है कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो छोड़िए बार कोड को, तो देखिए यहाँ पे एक दो स्लॉट है यहाँ पे, तो एक कैमरा ऑटो फोकस क्यों कर रहा है, हाँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक सिम का एक यहाँ पे स्लॉट है, और साइड में एक यहाँ पे मेमोरी कार्ड या आप कहते कह सकते कि चिप का जो स्लॉट होता है, बहुत लोग कहते हैं चिप या कुछ कहते हैं मेमोरी कार्ड ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है, तो यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा, यहाँ पे आपका एक सिम सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वायर है यहाँ पे कनेक्शन के लिए, तो छोड़िए उसको। तो चलिए यहाँ पे सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल देते हैं और फिर इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड और एक सिम डाल दिया है यहाँ पे, तो अभी बैटरी को लगा देते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं बैटरी को। तो देखिए, बहुत ही टाइनी बैटरी है यार, मतलब देख के हंसी आ रहा है कि कितना छोटा बैटरी है, लेकिन हंसी का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच है बेबी, वो भी तो मतलब एक वॉच है ना, फ़ोन तो नहीं है कि बहुत बड़ा बैटरी होगा इसमें, तो छोटा बैटरी है, तो पावर कंज्यूम भी बहुत ही कम होगा, इसलिए छोटा बैटरी दिया है, लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। तो बैटरी को तो लगा दिया मैंने, तो अभी चलिए इसको स्विच को टर्न ऑन करते हैं।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए स्विच ऑन हो गया है, क्या पता स्विच ऑन होने के साथ साथ दिखा रहा है कि पावर ऑफ, साथ में बहुत मतलब प्रेस कर दिया यहाँ पे फोकस आ रहा, तो चलिए साइड में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 00 टाइम है, क्या क्यों मतलब कुछ भी सेट नहीं किया हूँ, ब्लूटूथ ऑन है पहले से ही और यहाँ पे बैटरी फुल है अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है। तो मैंने तो एक मेमोरी कार्ड को डाल दिया है यहाँ पे, तो चलिए एक गाना उना प्ले करके देखते हैं तो क्या क्या मेन्यू है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप है, तो क्लिक करके देखते हैं, डाउनलोडिंग दिखा रहा है और ब्राउज़र है, उसके बाद फेसबुक है, ट्विटर है, पैडोमीटर है, स्लीप मोनिटरिंग है, फाइल मैनेजर है, कैमरा है और स्टेप काउंटिंग है और साउंड रिकॉर्डर है और कैलकुलेटर है और ऑडियो प्लेयर है और क्या है यहाँ पे इमेज व्यूअर है और कैलेंडर, फ़ोन बुक, सेटिंग्स, डायलर, मैसेजेस, कॉल लॉग, यूज़र प्रोफाइल, अलार्म और कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सारा है जी, लेकिन काम का है तो तभी ना। तो चलिए कॉल करके देखते हैं कस्टमर केयर को कि अभी कॉल कर पाता कि नहीं पाता है। 1-to-1 फिर कॉल, मैं कॉल कर दिया यार, इतना छोटा है कि से दबा नहीं पा रहा हूँ मैं। तो देखिए कॉल तो हो रहा है, तो चलिए साउंड थोड़ा बढ़ा देते हैं, शायद आपको सुनाई दे रहा है। देखिए कस्टमर केयर का कॉल जो है, देखिए तो कॉल तो हो रहा है, तो चलिए इसको काट देते हैं। कॉल तो ठीक तरह से हो रहा है, मतलब नेटवर्क कनेक्शन ठीक ठाक है, नेटवर्क स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैमरा कैसा है, कैमरा तो फालतू होगा पता ही है मुझे, तो कैमरे का क्वालिटी आप देख सकते हैं कि मतलब एकदम फालतू है, मतलब कुछ भी VGA टाइप भी नहीं है इसका कैमरा। तो अभी जूम भी दिया है यहाँ पे यार, तो क्या जूम करूँगा इस कैमरा में, छोड़िए। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे पैडोमीटर जो है यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये पूरा मतलब फालतू है, मतलब फेक है पूरा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए तो ऑटोमेटिक इसका टाइम जो है काउंट हो रहा है, तो मतलब छोड़िए इसको। तो स्मार्ट वॉच तो कुछ गाना वाना सुन लेते हैं, देखते हैं। तो म्यूज़िक प्लेयर में जाके देखते हैं, बहुत सारा गाना है यहाँ पे मेमोरी कार्ड में, सब भक्ति गीति है कुछ शायद। तो देखिए प्ले करके देखते हैं, कॉपीराइट ना हो जाए इसलिए देखते हैं। चलिए साउंड थोड़ा बढ़ा लेते हैं, देखिए साउंड तो ठीक, फुल साउंड में अभी चल रहा है, तो चल देख सकते हैं आप कि साउंड कितना है, इतना भी मतलब हाँ। तो चलिए इतना ही से ख़त्म, कॉपीराइट हो जाएगा नहीं तो। तो साउंड तो इतना ही है और आपका नेटवर्क स्टेबिलिटी भी दिखा दिया। इमेज व्यूअर जो है यहाँ पे देखिए, एक इमेज में कैप्चर किया था, तो आप देख सकते हैं इमेज को, देखिए यार ठीक ठाक ही है, मतलब उतना तो बहुत हाई फाई रेंज का तो नहीं है, ये तो ठीक ठाक आ जाता, लेकिन मतलब जस्ट काम चला है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया है, आप कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपका मन करे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ, ठीक है जी। तो चलिए और यहाँ पे साउंड रिकॉर्डर भी है, आप साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो और तो कुछ फंक्शन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको कम्युनिकेट कैसा किया जाए अपनी फ़ोन से, सिंक्रोनाइजिंग कैसे किया जाए, उसके ऊपर वीडियो में बना दूँ, तो आप उसके कमेंट कीजिएगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो यही था, तो आज के इसका एक जो मॉडल नंबर है वो हम बता देते हैं, इसका जो मॉडल नंबर है वो शायद है DZ09, इसका मॉडल नंबर है DZ09, ठीक है इसका मॉडल है। तो चलिए इसको जो स्मार्ट वॉच है, वॉच जो है उसका देखा देते हैं। देखिए इसका ये जो है वॉच का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं वॉच का इंटरफेस है, एक है और शायद तीन होगा, तो ऑन क्यों हो रहा है, ठीक से मैं स्वाइप नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए, शायद ये मेरी ही गलती है वॉच का नहीं। तो फिर वो देखते हैं क्या हो रहा है यार,
देखिए दूसरा है और तीसरा कहाँ गया, नहीं होगा क्या? धीरे से स्वाइप करना होगा, ये जो है तीसरा है। ठीक है, तीनों ही वाटर, सॉरी वाटर बोल रहा हूँ, वॉच का फेस है। तब कोई भी फेस आप यहाँ पे रख सकते हैं, तीनों ही फेस आपको सपोर्ट करता है। तो चलिए, ये था आज का स्मार्ट वॉच का ऊपर वीडियो, जिसका मॉडल नंबर है DZ09। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी फॉर वीडियो अब नहीं आ रहा है ठीक टाइम से, मतलब बहुत दिन बाद बाद आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।